जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 अगस्त को अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, पर क्या आप लोग जानते हैं कि यह सब कहां से शुरू हुआ और आगे क्या होने वाला है? ऐसी ही थोड़ी जानकारी के साथ मैं आया हूं यह वीडियो लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अयोध्या की जमीन के बारे में कई सौ सालों से बहस चली आ रही है। कई लोगों का मानना है कि पहले वहां एक हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। सबसे पहले मुगल शासक बाबर के कहने पर मीर बाकी ने वहां 1528 में वह मस्जिद बनाई थी। साल 1949 में कई लोगों ने देखा कि मस्जिद के अंदर राम भगवान की मूर्ति रखी गई थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों अयोध्या की जमीन को लेकर लड़ रहे थे, जिसके कारण सरकार ने उस एरिया को लॉकडाउन कर दिया। December 17, 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने उस जमीन का संरक्षक होने का दावा किया। उसी के थोड़े साल बाद December 18, 1959 में सुन्नी बोर्ड ने भी वो जमीन अपनी होने का दावा किया। उसके करीब 30 साल बाद कुछ हिंदू सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, जिससे पूरे देश में कई सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में कई सारी सुनवाई होने के बाद 19 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यह फैसला सुनाया कि वो जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दी जाए और मुस्लिम लोगों को मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाए। आखिर में अब करीब 500 सालों के बाद हिंदुओं का अयोध्या में राम मंदिर बनाने का सपना पूरा होने वाला है। इस मंदिर को डिजाइन करने का काम था चंद्रकांत सोमपरा का, जिनके परिवार ने भारत और दूसरे देशों में 200 से भी ज्यादा मंदिर डिजाइन किए हैं। मंदिर को नागर शैली के हिसाब से बनाया जाने वाला है और जैसा प्लान हुआ था उससे बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। गढ़ मंडप और बड़ा होने वाला है। 160 से बढ़ाकर 366 कॉलम होंगे। फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार तक जाने वाली सीढ़ियों की चौड़ाई 6 फीट से बढ़ाकर 16 फीट होने वाली है। मंदिर की ऊंचाई 141 की जगह 161 फीट होगी, चौड़ाई 160 फीट की जगह 253 फीट होगी और लंबाई 280 फीट से 360 फीट होगी। ये सब इसीलिए बढ़ाया गया क्योंकि सरकार ज्यादा लोग अंदर आ सके ऐसा चाहती थी। प्लान के हिसाब से हर कॉलम के पास 16 मूर्तियां होगी, जो होगी 10 अवतार, 64 जोगिनी, शिव भगवान के सारे अवतार और सरस्वती देवी के 12 अवतार। पहले जो प्लान था उसमें 3 लाख क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन लगने वाला था, पर अब नए प्लान के हिसाब से 3 लाख क्यूबिक फीट और सैंडस्टोन लगेगा, जो राजस्थान के बंसी पारपुर से आने वाला है। इस मंदिर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को दिया गया है और मंदिर को बनाने में लगभग 3.5 साल लग सकते हैं। अयोध्या में जिस दिन भूमि पूजन हुआ उस दिन पूरे अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था, तो चलिए उसकी कुछ तस्वीरें देखते हैं।